But we have the first point, we have song of the open road. Open road means the freedom. Open road means the freedom. There is no restriction. So this poem is written by the American citizen. And he given that the life may we need to some freedom. Yeah, there should be no restriction. So which type of restriction of freedom? हाँ सर, हम लोग को भी चाहिए फ्रीडम, लेकिन आप घर पर टाइम पे नहीं जाकर मम्मी मारती है, पैसे मांगो तो मम्मी मारती है, कितना फ्रीडम है भाई, देयर शुड बी सम फ्रीडम, ड्यू चौपाटी जाने का, लेना कसिनो, वो वाला फ्रीडम नहीं। एक एक बात भी, लेट कम टू पेज 93, चूज द मोड ऑफ ट्रैवल, चूज द मोड ऑफ ट्रैवल दैट यू लाइक द मोस्ट पार्ट ऑफ योर जर्नी. तो देर इज डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ जर्नीज गिवन. वी गॉट द एयरवेज, वी गॉट द वाटरवेज, वी गॉट द रेलवेज एंड द रोडवेज. मतलब मालूम है एयरवेज मतलब वाटरवेज भी मालूम ही है, रेलवे भी मालूम ही है और रोडवे भी मालूम है. तो देर इज फोर ऑप्शन गिवन, वी हैव टू सेलेक्ट वन ऑप्शन पर जर्नी. ओके, अब रोडवेज एयरवेज भाई हम लोग की तो हिस्सा थी, मैं तो एयरवेज नहीं चुनूंगा भाई, मैं कहाँ आ गई, तो मैं आई डोंट हैव एनी एक्सपीरियंस ऑफ एयरवेज, सो आई विल नॉट राइट दिस एयरवेज. वाटरवेज तो स्लो है भाई, बोल जाएगा, अभी हाई टाइड आ गया तो जहाँ जैसा चलेगा, नहीं नहीं कभी आया वो सब इसकी है. रेलवे तो बेस्ट ऑप्शन है, लोग कर जाते हैं मैडम, तो रेलवे ऑप्शन. एंड रोडवेज, रोडवेज बहुत बैड एक्सपीरियंस है, वाटरवेज में से गई हूँ. सो यू हैव अ फ्रीडम टू चूज ए डिमांड. So let's take the railway the most convenient transport for the long term data distance के लिए. क्योंकि यहाँ से जेबी नगर जाना है, मेट्रो से जाऊँगा नाके पे, मेट्रो पकड़ूंगा फिर जेबी नगर जाऊँगा. जब तक नाके पे आ जब तक मैं फिर जेबी नगर जाऊँगा. फिर भी जब लॉन्ग टर्म डिस्टेंस के लिए रेलवे इज द मोस्ट सुटेबल आता है. The reason for your preference is the choice. So pause karo. Let's take the first question. What they give is that choose the mode of travel. Mode of travel means the types of travel. In the 11th we have got the in economics types of travel, transport. Economics kya ho sake? Economics mein milega. So airways, waterways, railways and roadways, they give in the four type of transport. तो उसमें से विच ट्रांसपोर्ट यू विल सेलेक्ट एंड वाई यू शुड सेलेक्टेड. सो आई हैव चूजन द रेलवे. तो रेलवे आई वुड लाइक टू चूज फॉर मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट. वाई? इट इज़ कन्वीनियंट. कन्वीनियंट मतलब कंफर्टेबल, आरामदायक. दैट्स अ कन्वीनियंट फॉर अ लॉन्ग डिस्टेंस. तो लॉन्ग डिस्टेंस जाने के लिए सबसे बेस्ट है. अब वो गाँव जाने का फोर व्हीलर से पिछले लॉकडाउन में लोग ट्रैक पे, लॉरी पे कहीं जा रहे थे, ऐसा बैठे बैठे एकदम साइकिल पे भी जा रहे थे, नहीं पैदल भी जा रहे थे. ओके ना, वो साइकिल को लड़की बिहार की लड़की तो फोर व्हीलर में इधर से अंधेरी और जेबी नगर और घाटकोपर नहीं जाने का है, गांव जाने का है 1800 किलोमीटर. ओके ना, तो ऐसा बैठे रहो, ऐसा बैठे रहो, बालपड़ा गाँव जाते जाते हाथ ऐसे रह गया अभी. सो दैट इज बेटर हैव अ रेलवे, दैट इज मोर कन्वीनियंट. इट इज अ चीपर मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट. चीपर मतलब लेस एक्सपेंसिव, सस्ता है. दैट इज चीपर. चीटर नहीं, चीपर. इट इज चीपेस्ट मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट कंपेयर टू अदर ट्रांसपोर्ट. तो ये सस्ता है एंड इट गिव्स अस द अपॉर्चुनिटी टू एंजॉय द साइट. साइट मतलब वो दृश्य और जो पिक्चर्स है के ऑफ द नेचर ऑफ डिफरेंट लोकेशन.
खिड़की का सीट में अपन सो जाते हैं। तो डिफरेंट डिफरेंट लोकेशन यू कैन सी दैट। अब एयरवेज से रेलवे से मालूम है, रेलवे में तो अपन गए नहीं, कहा मतलब वो एयरवेज में मालूम है। तो फिर जो कह रहे बताना मेरे को। नेक्स्ट क्या है, डिस्कस विद योर पार्टनर द प्रिपरेशन यू लाइक वुड यू लाइक टू मेक फॉर द जर्नी चूजिंग। आफ्टर द सेलेक्टिंग द जर्नी आप क्या क्या प्रिपरेशन करने वाले हो, क्या क्या तैयारियां करने वाले भाई। मास्क पर पाँच छः जोड़ा तो कपड़ा खरीदेंगे आप पहले भाई इसमें, ओके ना। उसका ब्लूटूथ भी कर लेंगे, आप गाँव में पटेल माना की ना मेरे को तो ब्लूटूथ कर लेंगे, आपका शूज भी दो है एकदम मस्त वाला दो, क्या कैनवास। तो दैट इज व्हाट यू विल डू आफ्टर द प्लानिंग ऑफ डेस्टिनेशन। डेस्टिनेशन मतलब जिस जगह पे जाने का है, द साइट यू हैव चूजन, लोकेशन जैसे डेस्टिनेशन, गंतव्य स्थान जहाँ मेरे को पहुँचना है, दैट्स अ डेस्टिनेशन। मास नीचे की ना तो नाक पे ना स्टेपलर मार दूंगा मैं, नहीं नीचे हुआ था यहाँ चूर मत मेरे को। We choose to the mode of transport and book ticket in advance. और आपने महलों का टिकट एडवांस में नहीं बुक किया तो मिलेगा ही नहीं, ओके ना। फिर वो गुप्ता ट्रेवल सारे लोग लेंगे 1,000 का 2,000। तो वी हैव टू चूज इन द एडवांस टिकट, तो टिकट वी हैव टू बुक इन एडवांस। वी पैक द 2-3 सेट ऑफ क्लॉथ, बस 2-3 सेट ऑफ क्लॉथ मजा नहीं है, 2-3 तो शादी का ही रहेगा उतना, ओके ना। एक तो और अगर कहीं अपना सिटिंग हुआ तो अपना साथ ही रहेगा घर में, फूड एंड स्नैक्स, ए स्नैक नहीं क्योंकि आप पहले में लेके जाएंगे आपको गुलगुले उलगुले बराबर, मेरे प्लेन पे डबल डबल मांगते लोग। हां सर, है ना, मतलब पानी लेके जाते हैं एक बटर में ना, 5 लीटर का केन लेके जाते हैं, वाटर बॉटल और इमरजेंसी मेडिसिन। ट्रेन में पर बुखार आ गया तो वी नीड सम मेडिसिन, मम्मी को शुगर है तो पापा को थायराइड है तो जो रूटीन जो गोली रोज खाना होता है दैट यू हैव टू कैरी, दैट्स आर इमरजेंसी मेडिसिंस। और ऑन द गूगल मैप वी विल टेक अ री लुक ऑफ ऑल द रूट्स। अब गूगल मैप पे गूगल भगवान पे हम लोग सारे रूट्स का पहले से रफ आइडिया ले लेंगे, कौन सा स्टेशन कहाँ कहाँ है, कितने मिनट रुके या हाल पर जाड़ी नीचे उतरी पानी के लिए पानी चढ़ी थी भाई, हाँ यहाँ से वो एक ही बॉटल पूरा वादा कुछ दिया ना, लगता है तीन बॉटल लेके जाते हैं हमको 12 घंटे तो लगता है। सो ऑल द रूट्स ऑफ द होटल जहाँ पे जाना है, तो वहाँ पे कहाँ पे रुकने के लिए भाई, होटल लोग भाई बड़े लोग होटल बड़े भाई, गेस्ट रूम गवर्नमेंट गेस्ट रूम, धर्मशाला एंड द टूरिस्ट स्पॉट कहाँ कहाँ आपको घूमने जाना है पहले से एडवांस में वी हैव टू प्लान। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट वी शुड टेक द आईडी कार्ड, नहीं तो मालूम पड़ा पुलिस ने पकड़ लिया, टेररिस्ट के जेल में डाल दिया। आप उन्होंने अरे ये तो मेरे टूरिस्ट प्लेस में सोचे सर जेल भी था अपना टूरिस्ट प्लेस, एक और नया प्लेस मिल जाएगा टूरिस्ट प्लेस, वहाँ पे रोटी और चने का दाल खाने अभी वे इन विच यू वुड ओवरकम द प्रॉब्लम। ओवरकम मीन्स हाउ टू, अगर कोई प्रॉब्लम में फंस गए तो कैसे उससे बाहर निकलना है, दैट्स अ ओवरकम। ओवरकम मीन्स टू सॉल्व द प्रॉब्लम, हाउ यू टैकल द प्रॉब्लम्स। हैंड्रेंस, हैंड्रेंस मतलब भी प्रॉब्लम्स ही होता है, प्रॉब्लम हैंड्रेंस डिफिकल्टी। तो अगर कभी गए और कहीं कुछ मुश्किल घड़ी में मुश्किल में पड़ गए, कोई पर्स मार लिया या टिकट गिर गया और टीटी पकड़ लिया है, कोई गलत जगह पे चले गए, जाना था इधर गया और गिरा, वो जाड़ी उतरी नीछे ट्रेन पे और ट्रेन छूट गया, अब वही रो रही है मम्मी मम्मी मेरे को लेने आओ, मम्मी बोली बेटी तू रो रही अगले साल मैं आती हूँ अप्रैल में, ये तो वहीं बैठे रहे ना कहीं जाना मैं, तो बैठे बैठे जगह भी छूट जाएगा।
ओके सो डिफिकल्टी यू फेस ड्यूरिंग द जर्नी, तो अगर कुछ प्रॉब्लम आपने जर्नी में फेस किया रहेगा तो उसको कैसे आप सॉल्व करने वाले हो, हाउ यू कम ओवरकम द प्रॉब्लम। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू इन्फॉर्म द प्रॉब्लम टू माई फैमिली, तो अगर कुछ प्रॉब्लम फंस गए तो इमीजिएटली कॉल करके अपने परिवार वाले को तो मैसेज दो, सो दे कैन हेल्प और दे कैन ट्राई देयर बेस्ट। I would go to nearer police station. Police chowk sa, police chowk kaise ja sakte, chori main nahi kiya tha na. So I would go to the police station and I would take the all necessary steps to overcome the problem. Aur problem se kaise bahar aana, uske liye jo bhi apne ko steps ho lena rahega, we have to try our best. And finally problem se bahar aane ke baad mood off ho gaya yaar, ab nahi jaa raha, abhi ghar jana hai ki continue karna hai, that you have to decide. So I would ensure whether to continue the journey or to return home. Ensure, make sure. So ab aage decision lo whether you wanted to continue your journey or whether you wanted to return back to the home. That's how the you will overcome the problems. And the last one is, during the every journey we have observed certain rules. कहीं पे भी जाना है तो देयर इज सम रूल्स और रेगुलेशन वी हैव टू फॉलो। डिस्कस योर आइडियाज अबाउट द जर्नी विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन, बट यू वांटेड टू दैट मैं कोई जर्नी में जा रहा हूँ, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होना चाहिए, पिकनिक जा रहे हैं और बस में अमृतसर नहीं होना चाहिए, नो रिस्ट्रिक्शन, मजा आएगा यार। द बस विदाउट अमृतसर, ओ माय गॉड, दैट्स अ ड्रीम टाइम, ओके ना, बस टूट जाएगा यार। उद्धव भैया जी को बोलना भाई, उद्धव भैया जी अगर बोलेंगे तो मैं नहीं जाऊंगा। इमेजिका का बोलना बात, इमेजिका का मजा नहीं आया। हाँ जा, ये पानी में नहीं जाने देती है, ये बाहर बिठा के रखती है सर, और मम्मी ने बैठकर ऐसे बिठाया था, ये भी बाहर बैठ बोलती बाहर बैठ। तो फर्स्ट क्या दिया पे, आई वुड, आपके क्वेश्चन में दिया आई वुड गो अलोन और विद सेलेक्टेड फ्रेंड। अलोन मीन आप अकेला जाना चाहते हैं, अकेला जाके क्या करूँगा, इधर पे पकड़ेगा क्या, हाँ भाई साहब मेरा एक फोटो खींचे और फोटो खींच के मोबाइल लेके भाग गया। तो आई वुड लाइक टू गो विद द सेलेक्टेड फ्रेंड्स, व्हाई, एज वी आर लाइक माइंडेड अबाउट द मोस्ट थिंग, लाइक माइंडेड मतलब हम दोनों मीन सेलेक्टेड फ्रेंड, जो आप एक दूसरे को जानते हो और आपके पसंद नापसंद को समझते हैं, सच टाइप ऑफ फ्रेंड, नॉट द अदर्स फ्रेंड। वी लव टू इंजॉय बट नो कॉम्प्रोमाइज विद द रूल्स एंड सेफ्टी नॉर्म्स। गाँव के हाईवे पर लिखा रहता है घर पे अपने इंतजार कर रहे हैं, धीरे चलाइए, डोंट बी ड्राइव रैशली, क्या एंड द नेशनल हाईवे बड़े बड़े हाईवे पे वो रुक के आ सब मेरे कल्याण पे लिखा था, हां हो जाए लिखा था, ओके ना, नजर हटी दुर्घटना घटी, तो डोंट बी नो कॉम्प्रोमाइज विद द रूल्स एंड सेफ्टी नॉर्म। अपने जो लाइफ के जो सेफ्टी नॉर्म है, कुछ लोग अरे पिकनिक होने से तो है नहीं, खिड़की से गर्दन बाहर निकालवा, गर्दन उधर कोल आ रहा था, हमेशा के लिए परमानेंट टूरिस्ट हो गया उसका, पिकनिक हो गया अभी, ओके ना, वहाँ पे आप उसके स्मृति याद करना पड़े अपने को। सो वी हैव टू डू द सेफ्टी नॉर्म्स, वी विल मेक श्योर दैट नेवर ड्राइव द रैशली, तो ट्राई करेंगे कि ड्राइव एकदम सिंसियरली, और जो लिमिटेशन रूल्स है जितना स्पीड रहता है, कहीं कहीं लिखा 40 किलोमीटर स्पीड मैक्सिमम 50 किलोमीटर, दैट रूल वी हैव टू फॉलो। पर कुछ लोगों को बहुत जल्दी जाने पहुँचना आता है, बहुत जल्दी पहुँचना आता है, तो एकदम हमेशा के लिए जल्दी पहुँच जाते हैं। And none of us smoke or drink. और तो कोशिश करेंगे कि मार के नहीं पहुंच जाए भाई, मैंने तो भाई हमें फिर आगे भी तो मारना है ना, लास्ट लास्ट ड्रिंक नहीं होना चाहिए भाई, उसके बाद ड्रिंक करना है। आई वी विल मेक श्योर दैट द कॉस्ट बर्डन, यस ग्रुप में जा रहे हैं तो ऑब्वियसली ट्राई करें ऐसा नहीं कि पूरा खर्चे का जो है वो एक बच्चे एक फ्रेंड के ऊपर ही जाए, it should be shared by all, contributed by all the friends. So we will make sure that the cost burden will be shared by all, not the one of the person will be get burden.
तो ये था आपका ऑल द पर्सनल क्वेश्चंस। पॉज करा। दिस पोएम इज रिटन बाय द अमेरिकन सिटीजन व्हाट द वर्ल्ड विटमैन। ओके और उसका इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं, डायरेक्टली सेकेंड पैराग्राफ देना। द सेक्शन वन ऑफ सॉन्ग ऑफ द ओपन रोड फ्रॉम द लीव ऑफ द ग्रास। एक्चुअली अरे ये जो पोएम है ये उसका एक पार्ट है, मेन पोएम जो है वो लीव ऑफ द ग्रास है, लीव्स ऑफ द ग्रास वो मेन पोएम है, उसका एक पार्ट दिया है। कौन सा सॉन्ग ऑफ द ऑन द ओपन रोड इज अ ब्यूटीफुल ब्लेंडेड ब्लेंडेड इन द मिक्स ब्लेंडेड ऑफ द मिक्स सेल्फ अवेयरनेस। यस एवरीबॉडी को मान होना चाहिए अपने खुद की क्या मतलब वीकनेस है और खुद का क्या अपना स्ट्रेंथ है, देन सेल्फ अवेयरनेस मैं कितना कुछ कर सकता हूँ, क्या मेरे पास नेगेटिव थॉट्स है, आपके अंदर अच्छाइयाँ क्या बुराइयाँ क्या है, दैट इज योर सेल्फ अवेयरनेस। तो एवरी पर्सन मस्ट नो अबाउट देयर पॉजिटिविटी एंड नेगेटिविटी। फ्री विल, विल मतलब विश, डिजायर चाहत, फ्री विल मतलब ओपन माइंडेड, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं, दैट इज फ्री विल। एंड नेक्स्ट है टेंडरनेस ऑफ हार्ट, टेंडरनेस ऑफ हार्ट बता रहे दीवानगी, कंपैशनेट, दैट इज कंपैशनेट। कंपैशनेट कोई चीज को करने के लिए जुनून है, क्या कोई चीज अगर मैंने डिसाइड किया था वी हैव टू डू दैट, बिना उसको कंप्लीट किए आई विल नॉट स्टॉप दैट, दैट्स कंपैशनेट। पागलपन, ऐसा पागलपन नहीं है, वो पागल नहीं, पागल है वो, पागलपन नहीं है। इट गिव्स अस द पोएट रियलाइजेशन दैट अलोंग द जर्नी ऑफ द लाइफ वन विल फेस द टेस्ट ऑफ द विजडम। यस जिंदगी के लाइफ में अप्स एंड डाउन्स, फरवरी लास्ट जनवरी फरवरी तक कौन जानता था कोरोना क्या है भाई, ओके बस 26 जनवरी आपने मनाया था भाई, मकर संक्रांति पतंग में मस्त में अच्छे से उड़ाई लिए थे भाई, सडनली फरवरी मार्च में एकदम मजा आ गया। ओके अपने ज्योग्राफी का पेपर भी नहीं मिला और उसमें मैंने कितना पढ़ाई की थी ज्योग्राफी, सबसे ज्यादा ज्योग्राफी में ही पढ़ी थी सर, मैंने 3-4 ऐसे नहीं पढ़ा था, जो पेपर नहीं हुआ था ना वो पेपर में सबसे ज्यादा मैंने पढ़ा था, वही पेपर नहीं हुआ। तो फेस द टेस्ट ऑफ विजडम, विजडम मींस एक्टिंग विद द नॉलेज, विजडम मींस टू एक्ट यूजिंग द नॉलेज। समझदारी भरा कदम, तो कोई काम आप कर रहे हो जब काफी सोच समझ के कोई काम करते हैं जल्दी भेज जाऊं, विच इज नॉट टेस्टेड इन एनी स्कूल और यूनिवर्सिटी। यस जिंदगी के कुछ ऐसे चीजें हैं जो हम किसी स्कूल और यूनिवर्सिटी में नहीं पढ़ने वाले हैं, इस कोरोना ने लास्ट 1.5 साल में जिंदगी को जैसा जीने का सिखा दिया है सबको, और ना तो कोई स्कूल में पढ़ा है ना तो कुछ कॉलेज में पढ़ने वाले हैं, तो लाइफ के बहुत सारी चीजें दैट वी हैव टू लर्न इन आवर लाइफ और जर्नी ऑफ द लाइफ में, दैट द विटमैन सेइंग दैट अ रोड इज समथिंग एवरीवन यूजेस। यस क्या वो रिच हो या पुअर हो, ऐसा नहीं कि रिच लोग के लिए अलग रोड होगा और पुअर लोग के लिए अलग, एवरीबॉडी यूज द सेम रोड, सो रोड इज समथिंग एवरीवन यूजेस वेदर इट इज अ रिच और पुअर एंड फोर्स ऑल लेवल ऑफ पीपल टू एसोसिएट विद वन अदर। ऑफकोर्स रोड का काम ही क्या है, टू रीच वन प्लेस टू अनदर प्लेस, तो आप अपने लव्ड वन जो भी है उनसे आप मिलने के लिए आ रहे हो, तो रोड इज द कनेक्टिविटी सिस्टम, ओके ना, फॉर द वन प्लेस टू द अनदर प्लेस। द रोड सिग्निफाइज द मोबिलिटी, मोबिलिटी का ट्रांसफरबिलिटी, मोबिलिटी मीन द वो मोबाइल नहीं, मोबाइल मीन द ट्रांसफरेबल, फॉर द वर्ड वो मोबाइल एंड लैंडफोन, लैंडलाइन फोन वो एक प्लेस पर ही रहेगा, मोबाइल जब चाहे जाए कहीं पे भी जाओ, तो मोबाइल मीन्स ट्रांसफरेबल, तो रोड क्या करता है आपको वन प्लेस से दूसरे प्लेस पे ले जाने के लिए आपको एक सिस्टम प्रोवाइड करता है।
कभी कभी गांव में कच्चा रोड, कच्चा सड़क सुने हो, कच्चा मार्ग, मोटी गाड़ी सुनी है, कच्चा रोड नहीं, मड वाला रोड, मड मिट्टी का। अभी भी नहीं नहीं तो कच्चा सड़क, अब ज्यादा बारिश आ, फ्लड आ गया तो मड वाला रोड खत्म। अब गांव इज टोटली डिसकनेक्टेड, ना गांव के लोग बाहर जा सकते हैं, ना बाहर के लोग गांव आ सकते हैं। रोड ही नहीं दो, अब जब तक पानी नहीं का होता तो बेचारे गाँव वाले वहीं रहते हैं। ऐसे ही बहुत सारे गाँव हैं अभी भी हमारे देश में, जड़ी जब बारिश के टाइम में डिसकनेक्ट हो जाते पूरी तरह। सो रोड सिग्निफाई द मोबिलिटी, मीन्स रोड की वजह से क्या होता है, हम लोग एक जगह से दूसरी जगह मोबाइल मीन्स ट्रांसफर हो सकते हैं। वन कैन टेक द रोड एज अ पॉइंट टू स्टार्ट ओवर टूवर्ड द समथिंग न्यू। यस, आप चाहते कहीं नया एक जगह पक गया वायर रह गया, चलो कहीं और जाते कहीं, ओके ना। तो रोड का यूज करके हम डिफरेंट डिफरेंट लोकेशन पे वी कैन मूव। सो विटमिन टॉक्स अबाउट द पीपल एंड प्लेसेज, तो देर इज डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेज है, डिफरेंट डिफरेंट पीपल मिल देयर, क्योंकि अब हम लोग बंगाल जाएंगे तो वहाँ पे लोग अलग मिलेंगे, वहाँ का मतलब उनका नेचर अलग है, हॉस्पिटैलिटी अलग रहेगा। पंजाब जाएंगे तो उनके लोग अलग होंगे भाई, साउथ में जाएंगे तो उनका खान पान रहन सहन सब अलग है। सो देर इज डिफरेंट डिफरेंट प्लेस एंड डिफरेंट डिफरेंट पीपल आर देयर, सो वी कैन इन्जॉय द डिफरेंट टाइप ऑफ हॉस्पिटैलिटी। हॉस्पिटैलिटी मतलब हॉस्पिटल नहीं, खातिरदारी, मेहमान नवाजी, तो सबका मेहमान। और कश्मीर में जाएंगे तो और मेहमान नवाजी होता है, वो आतंकवादी लोग का खाली बोली से लोग मेहमान नवाजी करते हैं। तेरा फसवाल रे He argue against something, against staying in one place. The vitamin एक ऐसा personality था, वो उसको कभी भी एक जगह रहना पसंद नहीं था। He wanted to travel different different places. He loved the traveling. अब बहुत सारे आज के जाने में मम्मी पापा बोले बेटा चलना है, नहीं मम्मी तुम लोग जाओ ना, मेरे को डोरेमोन देखना है, ओके ना, चिंचन देखना है मेरे को, आप लोग जाओ। तो He argue against the staying in one place. Who? That Walt Whitman, the writer, the poet wanted that he don't stay at one place, move from one place to another place for too long. Too long मतलब ऐसा नहीं कि अभी सर रखा ही तो इधर रुके हो, चलते रहो ना, चलते रहो। At one place you can only normally 6 months, 5 months or years so move to different places so that you get a relax. Or you get stress free. Although the hospitality may be the true on different different location, but there will be different hospitality of the different people that we will enjoy. So in this poem, the writer or poet wanted that people must move from one place to another place to enjoy the different location of the nature. To enjoy the day, to meet the different different people, you know. Pause कीजिए। हमेशा कुछ अच्छा होएगा। तारक मेहता का वो जेठालाल का हकारात्मक कुछ अच्छा होना, that is called optimism. उम्मीद पे दुनिया काम है कि चलो भाई दिसंबर तक मेजॉरिटी लोग को वैक्सीनेशन हो जाएगा तो फिर दुनिया वापस अपने रंग रूप में आ जाएगा, फिर जनवरी में अपन प्लान करेंगे पिकनिक जाने का, ओके ना। उम्मीद पे दुनिया कहाँ है भाई, ऑप्टिमिज्म। सो दैट इज ऑप्टिमिज्म, एनर्जेटिक, ऑलवेज वी फील समथिंग एनर्जेटिक, नॉट द डल और लेजी, है ना, लाइक द लच्छो। शुड बी एनर्जेटिक एंड शुड बी हैविंग द कॉन्फिडेंस, 4 महीने से काम धंधा बंद है, अब मुझे नहीं जीना, सुसाइड कर लूंगा, सुसाइड करने से काम धंधा चालू हो जाएगा। सो वी नीड टू बी वेरी ऑप्टिमिज्म एंड वी नीड टू बी वेरी कॉन्फिडेंस अबाउट द फ्यूचर, दैट दिस पोएम इज सेइंग अबाउट, यू नो। चलो क्या दिया, अ फुट, वो वाला माय फुट वाला नहीं यार, टीवी पे जो बताता था सीरियल में, माय फुट, अ फुट, एंड या प्लानिंग पर somewhere to go, preparation, that's the planning for on the way मतलब journey, दर भाई तो कहा हो, मैं on the way हूँ अभी, कहा निकल गया हूँ, अभी घर में रखते बोलते बाहर निकल गया हूँ,
that is a journey. So food means on the way of preparing for a to go somewhere. कहीं जाने की तैयारी करना, that is called a food. And light-hearted is here, happy and without any problem. जो आज की जो जनरेशन है, उसको कुछ मतलब ही घर से क्या है, घर में क्या तकलीफ क्या प्रॉब्लम है, बस वो अपनी जिंदगी में ही है. That is a happy and light-hearted. So light-hearted मतलब without having any problem. खुशनुमा रहना. I take to the open road, and open road means the go out from the restriction or comfort. अपने आरामदायक जिंदगी से थोड़ा बाहर निकलना. तो लाइफ को जब बाहर इधर ही रहूँगा मैं, उनको तो मेरी यही दुनिया है, इससे बाहर निकलो तो वहाँ का दुनिया कैसा है. That is a go out of comfort. Healthy, free, the world before me. The writer wish that I wanted to be the world should be the very healthy, it should be the free without any restriction. Before me means मैं चाहता मेरे सामने मेरी दुनिया में जो भी देखूँ मैं सब लोग हेल्दी रहे फिट रहे एंड सब फ्रीडम रहना चाहिए. There should not be any restriction. Who's saying that? The poet having the wish about the world should be the healthy. The long brown path मतलब difficulties, जन्म से लेने से लेके मरने तक everywhere there is a difficulty. गौतम बुद्ध ने जब देखा कि घर में झगड़ा सब रो रहे थे तो सोच पूछ क्या हो रहा है, तो डेथ हो गया. डेथ क्या बात कर रहे हो, क्यों रो रहे भाई? तो उन्होंने अपने जिंदगी में सोचा कि जाके मैं देखो कौन से घर में डेथ नहीं होता है. तो उन्होंने अपना स्टार्टिंग अप पूरा लाइफ सर्च करने में लगा दिया पूरे वर्ल्ड में कि किस घर में डेथ नहीं हुआ है. कि फाउंडर एवरी घर में डेथ हुआ है. तो उन्होंने मालूम पड़ा कि दुनिया में एक ही सच है, डेथ, जो होने वाला ही सबका. So there's a long brown path. Brown path means you have a difficulties, problems. So life pe problem hai. Before me leading wherever I choose. Yes, jahan pe main jaunga aisa nahi problem nahi aayega. Problem everywhere rahega. Koi bole agar safe jagah pe leke jao, kahin pe bhi safe jagah nahi, problem kahin pe bhi aane wala hai. Kahin baarish zyada hai, kahin earthquake aayega, kahin pe tsunami ja raha hai. To aayega kuch na kuch to. Henceforth मतलब ओके, अगर प्रॉब्लम आ रहा है ना तो फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स. Henceforth means फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स. ठीक है, आज से मैं डिसाइड करता हूँ, मुझे प्रॉब्लम जब सब जगह ही है तब प्रॉब्लम से जीने की आदत डालना पड़े भाई. कोरोना अब जाने वाला नहीं है, तो ये अगर कोई गलत फहमी में पड़ा है कि दिसंबर के बाद कोरोना नहीं हो जाएगा, ऐसा कहीं नहीं. अब ब्लड टेस्ट डॉक्टर कराने बोलेगा ना तो उसमें कोरोना भी तो लिखा रहा नीचे, मतलब टिक दे इसको भी कराओ आप लोग, जैसे मलेरिया, डेंगू, टाइफाइड, तो ऐसे भी कोरोना भी टिक करो. तो अब अपने को कोरोना से जीने की आदत डाला मेंटली, यस कोरोना है ऐसा है. सो दैट इज हैंड्स फोर्थ. आई आस नॉट अ गुड फॉर्चून, मुझे किसी नसीब की जरूरत नहीं है, मैं खुद अपने आप में ही नसीब हूँ. माई सेल्फ आई एम अ गुड फॉर्चून. आई डोंट लाइक द लक. पहले मैं राम 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 जपते रहूँगा, याद रहा खुदा याद रहा तो मेरे को क्या खाना मिल जाएगा. नो, आई हैव टू वर्क हार्ड. सो डोंट केयर अबाउट द फॉर्चून और मिस फॉर्चून, लक और बैड लक. ठीक है, लक और बैड लक सब उसके अंदर ही है, द ह्यूमन बींग के अंदर. हेंसफोर्थ आई विम्पर. विम्पर मीन द अनहैप्पीनेस. तो राधा टू बी बिकमिंग द अनहैप्पी, दुखी रहना. कि जैसा आप हो वैसा दुनिया भी दिखेगा आपको. आप दुखी हो तो दुनिया भी आपको दुखी लगेगा, और कोई आपको हेल्प करने वाला नहीं है. सो आई विम्पर नो मोर. तो मैं डिसाइड कर लिया हूँ कि अब आज के बाद मैं अपने आप को कभी दुखी महसूस नहीं करने दूंगा. पोस्टपोन नो मोर. और कोई भी पोस्टपोन करना टू अवॉइड समथिंग, पोस्टपोन अवॉइड टू समथिंग, अवॉइड करना मीन्स डिले करना. मैं कल करूँगा तो क्या बोलते भाई, आज करे तो कल कर, कल करे तो परसों, इतनी भी क्या जल्दी है, जीना है कई वर्षों, क्या बात है ना. तो वी शुड डू नथिंग टू पोस्टपोन. जो भी काम मिला है सामने ऑन द स्पॉट वी हैव टू डू दैट, रादर टू पोस्टपोन दैट. आई नीड नथिंग.
कुछ उम्मीद मत रखो कि मेरे को ये चाहिए वो चाहिए, जो है उसमें खुश रहो। दैट इज अ पोएट इज सेइंग दैट कि दैट आई विल नॉट नाउ एनी मींस रिमेंबर मी द अनहैप्पीनेस, तो मैं अब आगे से कभी दुखी नहीं रहूंगा, कोई भी काम मैं आगे फ्यूचर के लिए पोस्टपोन और डिले नहीं करने वाला हूँ, और मुझे किसी चीज़ का रिक्वायरमेंट नहीं, जो है दैट्स इट, आई एम हैप्पी फॉर दैट। डन विद इंडोर कंप्लेंट्स, शिकायत अगर इंडोर कंप्लेंट इनसाइड, तो अगर कुछ शिकायत कर रहा है तो किससे शिकायत कर, शिकायत करके कौन हेल्प करने वाला आपका, तो मैं किसी का के आगे कोई शिकायत नहीं करूँगा, जो भी मेरा प्रॉब्लम है वो अपने आप पास ही रखूँगा मैं। लाइब्रेरी मतलब फैसिलिटी और कम्फर्ट्स, लाइब्रेरी मीन द फैसिलिटीज और कम्फर्ट, तो आरामदायक जिंदगी जीने का अगर आदत पड़ गया तो जरूरी कि जिंदगी में हमेशा आपको आरामदायक जीने का आदत रहेगा। एंड द क्यूरलेस, क्यूरलेस हो जाए तो नीचे दिया साइड में कंप्लेनिंग, सोइंग दैट वन इरिटेटेड, तो कंप्लेनिंग तो कुछ बात कर देते हो, छोटे छोटे बच्चे टीचर टीचर इसने मेरा पेंसिल ले लिया, टीचर टीचर फिर दो मिनट बाद रबड़ ले लिया, टीचर टीचर चिमटी काट रहा है, वो 10 मिनट में 10 कंप्लेनिंग करते बैठे हो, इट बिकम द कंप्लेनिंग, हर चीज़ का शिकायत करते रहना, तो जिंदगी से शिकायत करने से अच्छा जिंदगी से समझौता कर लो, आपको प्रॉब्लम आने वाला ही है, तो बार बार हर प्रॉब्लम को लेकर आप, मैं बहुत तकलीफ कुछ लोग फैमिली में कहीं रहते हैं या आस पास गली में पड़ोसी में, उसके लिए बैठो तो दिन भर वो अपना रोना ही सुनाएगा, ना ऐसा दिखा पूरा दुनिया का पूरा दुख उसको ही है और किसी को दुख नहीं है, तो राधर टू बिकम द कंप्लेनिंग इज बेटर टू अपने आप में उस प्रॉब्लम को रखो और किसी के साथ कंप्लेन मत करोगे, वो प्रॉब्लम अपने प्रॉब्लम को मत सुनाओ किसी को, बिकॉज नोबडी विल हेल्प यू। एंड क्रिटिसिज्म, डोंट बी क्रिटिसाइज, किसी के बारे में कहीं बुरा बोलो बोलो मत, जो है तो डोंट बी क्रिटिसाइज, क्रिटिसिज्म मतलब किसी का बुरा बोलना है, किसी के बारे में नुक्स निकालना, दैट्स क्रिटिसिज्म, आलोचना करना, तो किसी के बारे में बुरा बोलना। सो स्ट्रांग एंड कंटेंट आई ट्रेवल टू ओपन रोड, यस सो स्ट्रांगली आई कॉन्फिडेंटली मैं क्या करूँगा, डिफरेंट डिफरेंट अपने लाइफ का जर्नी जो रोड है लाइफ का जर्नी, उसमें मैं कंटिन्यू अपना ट्रैवल करते रहूँगा मैं। द अर्थ दैट इज सफिशियंट, यस वर्ल्ड इतनी बड़ी दुनिया है, कहीं ना कहीं तो प्रॉब्लम सॉल्व होएगा मेरा, तो जिंदगी जीने का नाम है, चलने का नाम है, आई विल गो देयर। आई डू नॉट वॉन्ट द क्या दिया कॉन्स्टेलेशन एनी नियर, कॉन्स्टेलेशन मींस आर ए लक, मतलब बाजू में दिया रहेगा फेट और डेस्टिनी, दैट इज अ लक, नसीब, तो आई डू नॉट वॉन्ट, तो मुझे किसी नसीब की जरूरत नहीं है, आई डोंट वॉन्ट एनी फॉर्चून, आई नो दे आर वेरी वेल वेयर दे आर, क्योंकि नसीब अपना जहाँ पे भी आ रहे, जब तक मैं कुछ करूँगा नहीं तब तक वो नसीब मेरे साथ आने वाला नहीं है, सो रादर टू वेट फॉर आवर लक इट्स बेटर टू डू समथिंग। आई नो दे सफिस, सफिस मतलब सफिशियंट, सफिस मीन द सफिशियंट समवेयर, सफिशियंट है ना, पर दोज हु बिलोंग टू देम, जिसके पास नसीब है जिसका नहीं है सबको अपने अपने कर्मों के हिसाब से मिला है। स्टिल हियर आई कैरी माई ओल्ड डिलीशियस बर्डन, ओल्ड डिलीशियस बर्डन, डिलीशियस मतलब ब्यूटीफुल और टेस्टी, डिलीशियस फूड, डिलीशियस के टेस्टी, एंड बर्डन मीन प्रॉब्लम्स, तो जिंदगी में बहुत सारे हमारे पुराने यादें, बहुत सारे प्रॉब्लम है, वो मेमोरीज में अपने पास रहेंगे, आई कैरी देम, मैं चाहता हूँ यादों को हमेशा अपने साथ रखूँ, आई कैरी देम, बट आई कैरी देम, आई वॉन्टेड टू कैरी दैट ओल्ड प्रॉब्लम्स, डिलीशियस प्रॉब्लम, तो बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम्स हैं अपने लाइफ में। द मेन एंड वुमेन आपके जीवन में जो भी आपके फ्रेंड्स एंड लव्स वन थे वो सब, आई कैरी देम विद मी वेरेवर आई गो, तो मैं जहाँ पे भी आऊँ उन लोगों की यादें मेरे साथ कंटिन्यू रहना चाहिए। आई स्वेयर इट इज इम्पॉसिबल फॉर मी टू गेट रीड ऑफ देम, क्योंकि इन यादों से छुटकारा पाना पॉसिबल नहीं है, चाहे वो अच्छी यादें हो बुरी यादें हो वो अपनी मेमोरी में रहता है, तो गेट रीड ऑफ मतलब टू गेट फ्रीडम समझ रहेगा, यस टू ओवरकम और टू बिकम फ्री,
तो कोई चीज से आजादी पाना है कानू, तो आपके जो प्रॉब्लम्स है, आपके जो लक्स वाला है, वो आपके नियर एंड डियर रहने वाले हमेशा। सो आई एम फील विद देम एंड आई विल फील देम इन रिटर्न। तो आई फील विद देम बता रहे हैं, वो लोग हमारे साथ हमेशा मेरे पास ही रहते और मैं भी उनके पास ही रहता हूँ। दर्जा मेमोरीज, तो आपके लक्स वन गाँव में है, और तो गाँव में है शरीर से, बट स्टिल हम उनके बारे में याद करते हैं, वो भी हमको याद करते हैं। तो वी आर ऑलवेज गेट टुगेदर टुगेदर इन मेमोरीज। दैट द वर्ल्ड बिटवीन सेइंग दैट, सो बिटवीन सेइंग दैट द पीपल शुड नॉट स्टे एट वन प्लेस, दे ऑलवेज शुड ट्रैवल। वैसे जिंदगी में कहीं रुकने का नाम नहीं है। तकलीफ आया है, मैं मुझे अब नहीं पढ़ना, क्या बेटा मैं नाइन्थ फेल हो गया, मुझे नहीं जीना है, सुसाइड करना है। तो लाइफ मस्ट गो ऑन, है ना। तो लाइफ इज वन जर्नी है, और जब तक चल रहा है तो चलाते रहना चाहिए। सो दैट इज पॉइंट वांटेड टू से, द लाइफ मस्ट गो ऑन, डोंट स्टॉप द लाइफ। इस वजह और क्या, हम लोग हिंदी में फरवाड़ी कथा में बोला है, 84,000 योनियों में जन्म लेने के बाद जिंदगी मिला भाई, कीड़े मकोड़े सब बनने के बाद बने, सो व्हाई नॉट शुड एंजॉय रादर टू द वेस्ट द लाइफ। सुसाइड करना है, क्यों कर रहे भाई? उसने मुझे आई लव यू नहीं बोला, मैं सुसाइड कर लूंगा। सुसाइड करने के बाद वो भूलने आएगा, फिर तू जिंदा हो जाएगा पिक्चर में मैजिक रे। सो द लाइफ मस्ट गो ऑन, स्वाहा।